मेवात जिले में 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यह है जानकारी नूह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष सिंगला ने दी। उन्होंने कहा है कि 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एवं 20 से 24 साल की शादीशुदा स्त्रियों को जो कि ना तो गर्भवती हो और ना ही स्तनपान करवाती हो को एल्बेंडाजोल कृत्रिम नाशक दवाई गोली खिलाई जाएगी। नूह डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा है जिले की सभी आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर एवं ENM घर घर जाकर 1 से 19 तक के सभी बच्चे व 20 से 24 साल की शादीशुदा स्त्री जो कि ना तो गर्भवती हो और ना ही स्तनपान करवाती हो को 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि खाली पेट गोली न खिलाई जाए क्योंकि खाली पेट गोली खिलाने पर उल्टी जैसी समस्या का पैदा हो सकता है। कंटेनमेंट जोन में यह दवाई नहीं खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्यक्रम को आपसी समन्वय के साथ सफल बनाए। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नेशनल डिवॉर्मिंग डे हमारा जो प्रोग्राम है वो 12 से 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें 12 से 18 क्योंकि पहले तो ये प्रोग्राम स्कूलों में मनाया जाता था, स्कूलों और आंगनवाड़ी में मनाया जाता था, जो बच्चे स्कूलों और आंगनवाड़ी में आते थे। लेकिन अब जैसे कि स्कूल और आंगनवाड़ी बंद हैं तो ये प्रोग्राम घर घर जाके जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ये घर घर जाके 18 से 1 साल से बच्चे 19 साल तक बच्चों को खिलाई जाएगी और 20 से 24 साल की महिलाओं को जो गर्भवती नहीं है और स्तनपान नहीं करा रही है उनको खिलाई जाएगी। इसमें 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली 100 मिलीग्राम और 2 साल से 24 साल तक पूरी गोली खिलाई जाएगी। इससे जो बच्चों में या फिर युवतियों में खून की कमी होती है उसको काउंटर करने के लिए ये गोली खिलाई जाती है। इस गोली खाने से जो बच्चों का शरीर टूटता है, जो बच्चों में जल्दी थकावट हो जाती है या विजन कमजोर नज़र कमज़ोर हो जाती है उसमें इसका बहुत गोली का बहुत इफेक्ट रहता है। ठीक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इस बार प्रोग्राम में ये कहा है कि जो भी बच्चे बीमार हों या कोरोना ग्रस्त हों उनको हमने इस पर गोली खिलाने से मना कर दिया है। ठीक है जी, और इस गोली को चबा के खाना है, निगलनी नहीं है, खाना खाने के बाद चबा के खाना है। और उसके बाद में अगर कोई भी सिम्टम आता है, खाना आता है तो 108 नंबर एम्बुलेंस में या आप इसको डायल कर सकते हैं और उसी वक्त एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हो जाएगी या अपने निकटी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपना अगर कोई भी होते हैं कोई दिक्कत घबराहट होती है तो उसमें जा सकते हैं। ये गोली जिला मेवात में 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को और औरतों को खिलाई जाएगी।